हेलो दोस्तों, नमस्कार प्रणाम। आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं आप सब एकदम अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। तो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ मार्केट आकाश के मम्मी के लिए कुछ सामान ले आने के लिए, और देखता हूँ सामान मिल पाता है कि नहीं, क्योंकि थोड़ा बाकी उधार भी लाना है। तो अभी चल रहा हूँ, वहाँ है थोड़ा जान पहचान का, अगर मिल जाता है तो आकाश के मम्मी के लिए ले आऊँगा आटा और कुछ सब्ज़ी। और एक दीदी भी कहीं है भेजने के लिए, तो शाम तक कहीं भेजेंगी तो पैसा दे देंगे, इसीलिए मैं जा रहा हूँ लाने। कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ना जी। तो चलिए दोस्तों, हमारे रियल ब्लॉग से एंड तक जुड़े रहिए। आज की वीडियो भी बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं कुछ सामान लाऊंगा और दिखाऊंगा भी आपको क्या क्या लाया हूँ। आकाश का मुस्कुरा रही है। हेलो फ्रेंड, तो देख सकते दोस्तों आज क्या मैं लेने आया हूँ। एक सिस्टर ने कितना मस्त टाइम पर 1000 रुपया का मदद करी है। ठंड का टाइम में ऐसी आटा नहीं था, बहुत परेशान है, काम भी नहीं चल रहा इधर। तो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। अभी दोस्तों देख सकते हैं क्या क्या ले रहा हूँ, फिर घर पर चलता हूँ, आपको दिखाऊंगा। हमारे रियल लाइफ ब्लॉग से एंटर ले रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं, मैं आटा और सब्जी और दाल तेल बहुत सारा सामान लिया हूँ। अब चल रहा हूँ साइकिल से, दोस्तों देख सकते हैं। अभी आकाश की मम्मी और बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और दोस्तों देख सकते हैं मानसी कहाँ घूम रही है। ये बैग में क्या है थोड़ा दिखा दो, पैसा दे दो, निकालो, निकाल के दो पैसा। पैसा रखिए, दे 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 दे। देखो मानसी दे रही पैसा, दे दिया अपने बड़े पापा को पैसा। कहाँ खरीदने गई थी? कुछ खरीद के तो लाई नहीं उधर से क्या? थोड़ा हाय बोलो दोस्तों को। हाँ देख कितना प्यारा सीख गई, कितना छोटी सी थी। चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा इधर आया तो यहाँ से मिल लूँ, क्योंकि ठंड में निकल नहीं रहा हूँ, कमर के दर्द के वजह से। दोस्तों देख सकते हैं मैं पहुंच गया सामान लेके, आटा और सब्जी। अभी आकाश में खोल के देखेंगे, और आकाश में ठंड भी देखिए दोस्तों क्या कर रही है। क्या कर रहे हैं जी? राख खेत में डाल रहे। तो राख को उठा के जो तापते हैं, कभी कभी ठंड लगता है तो ठंड बहुत ज़्यादा राख रहता है ना, तभी खेत में फेंकेंगी। चलिए दोस्तों दिखा रहा हूँ कैसे खेत में छींटती है खाद जैसे। मुझे लग रहा है खाद छींटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा हम लोग खेत में, बहुत सारा खाद तो आकाश में मम्मी रोज ही छींट देती है ना जी। और इधर देख सकते हैं दोस्तों, मुर्गी साथ ही चरती है, कहीं जाती नहीं, बहुत होशियार है ना जी। अभी खेत में साफ कर दूंगा, वहाँ पर बैठे हाँ। अभी लेके जाऊंगी तो पीछे। और देख ली है ना, वो सियार लेके एक को भागा था तो नहीं जाती है अकेले, थोड़ा बहुत समझदार जरूर है ना जी। देख सकते दोस्तों आकाश में जा रही है, और मैं चल रहा हूँ सामान उतारने, फिर सपनों के आंगन में दिखाते हैं क्या क्या लाए हम लोग। दोस्तों देख सकते हैं आकाश को मम्मी कैसे खाद जैसे छींट रही हैं। ये क्या चीज़ पे है जी? सरसों पे? तोड़ा है, और पूरा खेत को काला काला कर दिए खाद छींट छींट के। दोस्तों देख सकते हैं, मुझे लग रहा है खादर छींटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। आकाश को मम्मी की जवाब नहीं, तोड़ा मोटर। मुझे लग रहा है आकाश को मम्मी नैहर में बचपन में बहुत सारा अपने मम्मी पापा के साथ काम करी है, इसीलिए पता है का जी? बहुत सारा देख सकते दोस्तों, पापा ना खेत में काम करते हैं किसान, जैसे हम लोग तो साथ में काम करते हैं। अच्छा, तो चलिए दोस्तों, इनके गाँव का सैर तो करा ही दिया था एक वीडियो में, और कितने इनका तारीफ भी किया था, और तारीफ इनको खाली वहीं नहीं किया था, मैं हमेशा करते रहता हूँ, क्योंकि इतना मेहनत करती है, मेरे से चरगुना ज़्यादा मेहनत करती है, ना रहती तो मैं तो खुद ही परेशान हो जाता। यही देखो दोस्तों क्या कर रहा है, लेकर बांधने के लिए वहाँ खत्म हो गया। मौसम थोड़ा साफ हुआ तो आकाश और विकास है दोनों अपने शरीर में काम करके गर्मी लाना चाह रहे हैं, देख सकते दोस्तों। वहीं पर बांध दो, मैं आ रहा हूँ, आप क्यों ले आएंगे, मैं हूँ ना, आ तो गया मैं। तो दोस्तों मैं चल रहा हूँ दिखाने, आकाश को भी दिखाएंगे। चलिए तो हाथों धोइए, बहुत सारा ठंड में उनको हम लोग के तरफ से धन्यवाद, और आप लोग भी आशीर्वाद बनाए रहिए दोस्तों ऐसे ऐसे आदमियों पे, और अपना भी ख्याल रखिए, क्योंकि आप लोग जो वीडियो देखते हैं वो भी सपोर्ट हम लोग के लिए कुछ दिन के बाद बहुत रंग लाने वाला है, और बहुत है ना जी आकाश मम्मी। और जो अभी सपोर्ट कर दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ठंड में बाप रे भात खा खा के हम लोग परेशान थे अभी ना आकाश मम्मी। देख सकते हैं आकाश मम्मी कितना बड़ा हथियार से क्या काट रही हैं। क्या है जी? ये आप लोग खाए होंगे दोस्तों, जो तरकुल वाला खाजा नहीं होता है उसका, जो खा के फेंक देते हैं तो जो जमता है, कितना प्यारा लगता है। थोड़ा मेरे को भी दीजिए जी, सब सब आकाश खा गए अकेले अकेले। बहुत प्यारा लग रहा है दोस्तों, आप भी थोड़ा खा लीजिए, मैं खिला दूँ आपके मुँह में। खाता
बीजे खिला रहा, खिला दो मुंह में खिला दो। ये छोटा बच्चा तो देखिए दोस्त, हमारा एक प्यार भरा संसार, कितने क्यूट क्यूट मेरे बच्चे हैं। केवल इनको पढ़ा के मेरे को अपने मेहनत से अच्छा भविष्य, अच्छा संस्कार, अच्छा ना जी, आप भी कुछ कहिए। हाँ। बाकी इनका किस्मत और हमारा भी किस्मत और हमारा मेहनत के ऊपर। हाँ। और दूसरे का हेल्प करना सीखे, हमारा तो सोच यही है दोस्तों। बाकी आप लोग का आशीर्वाद की ज़रूरत है, आशीर्वाद ऐसे बनाए रहिए। बाकी हम लोग ठंड बिता के चलते हैं ना आकाश में, परदेसी बन जाएंगे। चलिए दोस्तों, मैं अभी दिखाता हूँ क्या क्या लाया हूँ। दीदी जो पैसा भेजी थी, चलिए आकाश में दिखाइए दोस्तों। देख सकते हैं सपनों का आंगन में आकाश में जो सामान लाया हूँ दिखाने वाले हैं। और दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, या से मैं मिल नहीं पाया क्योंकि या को अंदर मिथुन ने सुता रखा था कमरे में, और मैं नहीं जा सकता ना, छोट भाई है, और हीटर वोटर चला के तो सुता रखा था ना, तो मैं कहा चलो अच्छी बात है सुताई, फिर कभी मिलेगा, ठंड का टाइम है, अच्छा नहीं है, तो कभी भी मिल लेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आकाश की मम्मी के लिए क्या कर रहे हैं, सब्जी सब्जी। हाँ, सब्जी बेच रही है आकाश की सपनों के आंगन में, ठेला खरीदूंगी। अरे देख सब, थोड़ा मौसम नॉर्मल होने दीजिए, बहुत कुछ करने का सोचे हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक कॉल आ रहा, पहले रिसीव करते हैं। तो देख सकते हैं जो झारखंड की दीदी है जो दी है सामान, पैसा जिससे सामान खरीद के लाए हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों क्या क्या लाए हैं। आलू, आलू और गोभी, सेम, हरा मिर्च, और क्या है जी, दाल है, दाल है, और बेसन भी लाया हूँ, और सोयाबीन भी लाया हूँ, और सबसे बेस्ट तेल लिया दिया, और इधर देख सकते दोस्तों आटा ला दिया हूँ, हरा मिर्ची, हरा मिर्ची। तो आकाश की मम्मी अभी क्या बनाएगी जी खाना में? आलू गोभी का सब्जी रोटी, आप लोग भी आइए खाने, आलू गोभी का सब्जी रोटी हमारे ड्राइंग टेबल पर, देख सकते कितना मस्त ड्राइंग टेबल सुबह सुबह हम। और कमेंट में आ रहा था क्या बोफर सिस्टर बता रहे थे, हम लोग बम्फर बोल दिए थे, तो सॉरी उसके लिए। कभी कभी किसी शादी ब्याह में होता है जहाँ खड़ा होकर खाते हैं, हाँ, तो मेरे को थोड़ा याद रहा, अभी इसको बना नहीं पाया, बैठने वाला व्यवस्था बनाऊंगा, एक ही कुर्सी, और बच्चे देख रहे हैं दोस्तों इधर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं दोनों भाई एक साथ, विकास और आकाश, और बड़ा वाला भाई कुर्सी पर बैठ के पढ़ रहा है जैसे सुबह पढ़ रहा था। आराम से ऐसे प्यार से पढ़ो बेटा ना, थोड़ा एक बार हाय बोल दो फैमिली को। तो चलिए दोस्तों बच्चे पढ़ रहे हैं, अब हम लोग चल रहे हैं खाना बनाने। और आकाश को बता चुका था वीडियो में, बहुत प्यार करती हैं क्योंकि जान बचाई है ये मुर्गी ने, बैठी थी अकेले, एक बार और बता दूं, और वो इतना बड़ा सांप निकला, ये पाए पाए काए काए करने लगी, तब तक आकाश को मम्मी बच गई, नहीं तो काट लिया होता सांप ना जी। और कोई भी जानवर दोस्तों ज़्यादा परेशान ना करे तो उससे ऑटोमेटिक प्यार हो जाता है ना जी। हाँ। क्योंकि बिल्कुल परेशान नहीं करती, अब रख दी उसमें आकाश की मम्मी, अब उसी में सो जाएगी, सुबह ही दिखेगी शायद ना। रोटी बनाऊंगी तो उसको एक रोटी ले आऊंगी, बकरी और दोनों खा लेगी। हाँ, एक रोटी मिल जाए तो चलिए अच्छी बात है, सब कोई खा के सोता है ना। तो चलिए दोस्तों हम लोग चल रहे हैं, पहले सामान रख लें फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं बाल्टी हमारा भर गया आटा से ना आकाश की मम्मी। हाँ, हम लोग ऐसे तो करके रखते हैं, इसमें से निकाल निकाल बनाएंगे, बनाएंगे खाना। चलिए दोस्तों अभी हम लोग चल रहे हैं खाना बनाने की तैयारी करने, अब बच्चे तो आराम से यहाँ पे बेटा पढ़ो आप लोग, ठीक है, हम लोग खाना टाइम से बना दे रहे हैं। हाँ, जब तक खाना ना बन जाए वहीं पर रहिए, आराम से पढ़िए। दोस्तों देख सकते हैं हम लोग कहाँ पे आटा रख रहे हैं, कितना प्यारा जो बनाए थे हम लोग, क्या बोलते हैं इसको जी, छाजा बोलते हैं, देखिए कितना मस्त चूना से रंग के रखे, क्या बोलते हैं, छाजा। अच्छा, छाजा बनाए मिट्टी का दोस्तों, देख सकते हैं, और रख दें। अच्छा, इधर से साफ दिख रहा है, तो अभी उठा रहे हैं, अकेले नहीं उठेगा क्योंकि कमर में अभी दर्द है, कहीं दिख जाएगा तो आकाश को देख सकते हैं दोस्तों कितना हेल्प कराती है मेरा, अब गजब, अब चढ़ा मैं भी हेल्प कराने, हाथ कैसे दिखे। तो चलिए दोस्तों हमारा फाइनली सब सामान रखा गया, अब चल रहे हैं हम लोग खाना बनाने। और दोस्तों एक चीज़ आपसे शेयर करनी थी, हमारा एक सिस्टर है जो बहुत अच्छी है, कहाँ से है जी,
झारखंड से। हाँ झारखंड से भी वो भी हैं, तो वो एक चैनल बनाती हैं, एक शॉर्ट चैनल। शॉर्ट चैनल रहते हैं, गार्गी गार्गी कोस्ट ज्ञान की बात है। तो बताई थी, तो थोड़ा आपसे शेयर कर दे रहे हैं, आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और चलिए दोस्तों, हम लोग ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम लोग पर आशीर्वाद बनाए रहिए। और वीडियो में कोई भी एक दो शब्द गलत निकल गए तो प्लीज़ क्षमा चाहते हैं, आप माफ़ कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका हम सुधार करेंगे। ठंड कुछ ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बहुत आप समझ सकते हैं। हमारी वीडियो देखें उसके लिए दिल से धन्यवाद।